गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन के कारण बहुत से हमें पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले हैं और बहुत से हमें नेगेटिव इफेक्ट भी मिले हैं। नेगेटिव सबसे बड़ा ये है कि इस लॉकडाउन के कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है। लोग किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं लेकिन वो लॉकडाउन के कारण वहाँ पर फंस के रह गए। लेकिन इन नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा यदि हम कुछ पॉजिटिविटी यदि हम इसमें ढूंढें इस लॉकडाउन में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस लॉकडाउन के कारण फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और जो ऑटोमोबाइल्स का संचालन जो बंद किया गया था, उसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है ये एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक ग्रीन हो गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया है। हम देखें कि हमारी इवन गंगा नदी और जितनी भी नदियां हैं, पानी है, ये इनमें मिलने वाले जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स थे, जो इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा उनमें गिरावट आई है। सो हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही होता है, तो हमें इस लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला है और कुछ नेगेटिव भी मिले हैं। स्टूडेंट्स, ये बात हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है। स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आज आपको इन सीटू बायो रेमेडिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि बायो रेमेडिएशन, इस शब्द को आपने पहले सुना हुआ है, लेकिन इस शब्द के पहले की जो एक सीन है मैं पहले आपको वो बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे नेचर में सालों साल रह जाते हैं और वो कभी भी खत्म नहीं हो पाते। कारण ये है कि उन केमिकल्स का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे नेचुरल फैक्टर्स का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो सालों साल हमारे एनवायरनमेंट में रह जाते हैं और अपना जो भी उनका टॉक्सिक इफेक्ट है वो हमारे प्रति शो करते हैं। जैसे कि आप देखें कि ऑटोमोबाइल्स, जैसे आप गैरेज में यदि आप जाएं जहां पर गाड़ियां बनती हैं, वहां पर आप देखेंगे कि इंजन वर्क से रिलेटेड बहुत सारा ऑयल वहां सॉइल पर गिरा होता है। वो सॉइल सालों साल उसी माफ कीजिएगा वो जो ऑयल है वो उस सॉइल में कई समय तक रह जाता है लेकिन फिर भी वहां पर डिग्रेड नहीं हो पाता। कारण मैंने आपको बताया उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स और उनमें प्रेजेंट बॉन्ड्स। सो स्टूडेंट्स, यदि हम ऐसे पॉल्यूटेंट्स को किसी दूसरे मेथड के द्वारा यदि हम इनको जलाते हैं या कोई भी अन्य मेथड हम यूज करते हैं, तो उसके कारण हमारा नेचर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो हमें इसका कहीं एक नेचुरल सोल्यूशन, एक ग्रीन सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और बायो रेमेडिएशन उनमें से एक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक पर कि बायो रेमेडिएशन, इन सीटू बायो रेमेडिएशन एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट प्लीज। स्टूडेंट्स, इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब, पहले बायो रेमेडिएशन को आप समझ लीजिए। बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हमें टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और जो मेटल्स और जो भी ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को, उन केमिकल्स को या तो पूरी तरीके से डिग्रेड कर देना या फिर उनको काफी ज्यादा रिड्यूस कर देना, ये है सिंपली बायो रेमेडिएशन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है इन सीटू बायो रेमेडिएशन, इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी टेक्निक जिसमें पॉल्यूटेंट्स को उसकी एक्चुअल साइट पर ही खत्म किया जाता है। मतलब ये है कि जैसे हमने आपसे कहा कि पॉल्यूटेंट हमारे एयर, सॉइल और वाटर, मतलब जो पॉल्यूटेंट है वो हमारे हवा, पानी और मिट्टी तीनों में है। यदि हम सांस लेते हैं तो वो केमिकल सांसों के द्वारा हमारी बॉडी में जाता है। यदि हम कोई फल सब्जी लेते हैं तो फल सब्जी के द्वारा वो केमिकल हम तक आ सकता है। हम पानी पीते हैं तो पानी में भी यदि वो केमिकल प्रेजेंट है तो भी वो हमें नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए बायो रेमेडिएशन एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज किया है, हमने यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है, हमने प्लांट्स का इस्तेमाल किया है, एंजाइम्स का इस्तेमाल किया है। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स सेलेक्टिवली पॉल्यूटेंट्स के साथ बाइंड करते हैं और पॉल्यूटेंट्स को या तो डिग्रेड कर देते हैं या फिर इनको काफी ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। और जैसा कि हमने बताया इन सीटू बायो रेमेडिएशन, इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब ये है कि जो भी पॉल्यूटेंट नेचर में जहां भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉल्यूटेंट, कोई ऑयल
हाइड्रोकार्बन, बेसिकली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर किसी जगह पर मिट्टी में, सॉइल में बहुत ज्यादा अगर गिरा हुआ है, तो हमको उसको खत्म करने के लिए वहां की मिट्टी को कलेक्ट करके कहीं पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वो पॉल्यूटेंट जहां प्रेजेंट है हम वहीं पर जाकर उनको खत्म कर दें। जैसे हमारी कोई विश होती है, हम ईश्वर से यदि कुछ चाहते हैं तो हम मंदिर मस्जिद हम भगवान के पास खुद जाते हैं, कभी उनको बुलाते नहीं। इन सिटू बायोरेमेडिएशन भी कुछ ऐसी ही अप्रोच है जिसमें हमें पॉल्यूटेंट्स के पास जाना होता है, पॉल्यूटेंट जहां प्रेजेंट है हम वहीं जाकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये सिंपली एक ऑन साइट ट्रीटमेंट मेथड है, मींस पॉल्यूटेंट जहां प्रेजेंट है हम उनको वहीं पर ही खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। स्टूडेंट्स, इन सिटू बायोरेमेडिएशन की जो अप्रोच है ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इसको आज से करीब 20 साल से भी काफी पहले पेंसिल्वेनिया में यूज किया जा चुका है। ऑयल स्पिल्स को खत्म करने के लिए पेंसिल्वेनिया में इस इन सिटू बायोरेमेडिएशन अप्रोच को यूज किया जा चुका है। मैं आज आपको तीन अप्रोच के बारे में बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। फर्स्ट अप्रोच है हमारी बायो वेंटिंग। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, बायो वेंटिंग, अगेन यहाँ पर शब्द आया है बायो का, मींस यहाँ पर हम नेचुरल एजेंट्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंट्स क्या है ये भी मैं आपको बस जस्ट बताने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी बंद कमरे में काफी ज्यादा सफोकेशन रहता है, लोग वेंटिलेशन, एक नाम है वेंटिलेशन, लोग उस शब्द को बहुत यूज करते हैं कि वेंटिलेशन यहाँ का प्रॉपर नहीं है या वेंटिलेशन यहाँ का प्रॉपर होना चाहिए जिससे सफोकेशन ना हो सके। तो यहाँ पर जो बायो वेंटिंग है इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम सॉइल से, मिट्टी में अगर काफी ज्यादा नीचे अगर ऑयल प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, कोई टॉक्सिक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, तो उनको खत्म करने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए हम बायो वेंटिंग यूज करते हैं। बायो वेंटिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें मिट्टी के अंदर सॉइल में हम एयर को इंजेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायो वेंटिंग मतलब एक ऐसी अप्रोच जिसमें सॉइल के अंदर हम एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम यहाँ पर लो फ्लो रेट को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन को, एयर को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन सिस्टम के द्वारा हम ऑयल, माफ कीजिएगा, एयर को हम सॉइल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इससे होता यह है कि सॉइल में, मिट्टी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो माइक्रोब प्रेजेंट है, उनको मिलती है ऑक्सीजन। आपको पता है कि आग लगाने के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। तो यहां पर कोई आग नहीं लगने वाली है, लेकिन जो ऑक्सीजन, जो एयर हम मिट्टी के अंदर जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन माइक्रोब्स के द्वारा ले ली जाएगी, जो उनको और एक्टिव करेगी और सपोर्ट करेगी सॉइल में प्रेजेंट उन पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये जो मेथड है ये अप्रोच कहलाती है बायो वेंटिंग की। नेक्स्ट प्लीज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है ये है बायो स्टिमुलेशन की। स्टिमुलेट करना, किस चीज को एक्टिवेट कर देना, स्टिमुलेट करना। ऑलराइट, तो बायो स्टिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी इन सिटू मेथड है जिसमें हम माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहेंस करते हैं। मींस हम वहां पर, वहां सॉइल की जो एक्टिविटी है ना, उसको इनहेंस करते हैं। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बायो स्टिमुलेशन में सॉइल में हम इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम इनको सप्लाई करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायो वेंटिंग में हमने बताया कि बायो वेंटिंग में हम सॉइल के अंदर एयर को इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते हैं। बायो स्टिमुलेशन में हम रेट लिमिटिंग जो स्टेप्स हैं हम उनको यूज करते हैं। हम बायो स्टिमुलेशन में सॉइल की जो नेचुरल पावर है, मींस सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम उनको एक्टिवेट करने के लिए, डिग्रेडेशन को और सपोर्ट करने के लिए हम सॉइल में इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसिकली ये नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, हम इनको ऐड करते हैं। साथ में हम न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है बायो स्टिमुलेशन, इस अप्रोच को यूज किया जाता है बेसिकली हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स, फिनॉल्स, क्रिसॉल, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए। आपको पता है कि बायो रेमेडिएशन में जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, जो एंजाइम्स यूज करते हैं, वो उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, उनमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। सो बायो स्टिमुलेशन में हम उन्हीं प्रॉपर्टी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर को सप्लाई करके। जैसे ही सॉइल में प्रेजेंट उन माइक्रोब्स को ये एजेंट्स मिलेंगे, वो एक्टिव होंगे और
डिग्रेडेशन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट प्लीज। और हमारी जो आज की जो लास्ट मेथड है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिमेडिएशन में, वो है बायो ऑगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, बायो ऑगमेंटेशन एक ऐसी अप्रोच है, इंस्टीट्यूट अप्रोच है, जिसमें हम डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं। बायो वेंटिंग में हमने एयर को, ऑक्सीजन को सप्लाई किया। बायो स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इंजेक्ट किया, ट्रांसफर किया। और बायो ऑगमेंटेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब जिस सॉइल में पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उस सॉइल में जो इंडिजिनस माइक्रोब्स होने चाहिए, हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइक स्यूडोमोनास, एल्कली जीन्स, आर्थ्रोबैक्टर, बैसिलस थर्मोफिलस, बैसिलस लाइचनीफॉर्मिस, एस्परजिलस, हम ऐसे माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ, ये एडिशनल है, न्यूट्रिएंट्स के साथ या डायरेक्टली हम माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायो ऑगमेंटेशन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इंजेक्ट किए गए तो वो पॉल्यूटेंट्स के साथ बाइंड करते हैं और उनको डिग्रेड करते हैं या फिर उनको काफी ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंटेशन था ये इन सीटु बायोरिमेडिएशन पर था, जो कि एक ऐसी अप्रोच है जहां पर पॉल्यूटेंट को उनकी ऑन साइट, एक्चुअल साइट पर ही डिग्रेड करते हैं। तीन मेथड्स मैंने आपको बताई, बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन एंड बायो ऑगमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इन सीटु बायोरिमेडिएशन। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप उसे जरूर पूछें। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच।